और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजीत प्रसाद के साथ 5-6 और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मामले में कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। रोहित तिवारी का आरोप है कि जमीन की खरीदारी में कमीशन को लेकर उनका अजीत प्रसाद से विवाद हुआ था, जिसके बाद स्टेट बैंक तिराहे के पास से उन्हें किडनैप कर लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के दावेदार भी हैं। इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। केबी शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी शुक्ला, अजीत प्रसाद पर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या क्या जानकारी इस खबर को लेकर? अजीत प्रसाद सांसद प्रदेश प्रसाद के बेटे हैं, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के गठबंधन से दावेदारी हैं। ऐसे में उन पर आरोप लगा है कि ये कोतवाली नगर क्षेत्र के स्टेट बैंक किराए पर ये 3-4 गाड़ियों से जाते हैं और रोहित तिवारी नाम के युवक को अपने गाड़ी बिठा लेते हैं, जबरदस्ती अपहरण कर लेते हैं और उस पर मारपीट की जाती है। आरोप लगता है कि जमीन की खरीदारी में कमीशन देने के चक्कर में जो है इनका अपहरण होता है, मारपीट होती है। गोबिला के रोहित तिवारी ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मारपीट, अपहरण और धमकी के मामले में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि इधर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो है वो चर्चाएं तेज है। ऐसे में अजीत प्रसाद जो है वो सांसद के बेटे हैं और वो दावेदारी है गठबंधन से। ऐसे में इन पर आरोप लग रहा है कि जमीन खरीदारी में इन्होंने जो है मारपीट की है, एक व्यक्ति का अपहरण किया है। तो कुल मिला के जिस तरह से अभी सियासत चल रही थी उपचुनाव को लेकर, ऐसे में जो दावेदार है जिसको टिकट मिल रहा है, हालांकि लगभग फाइनल माना जा रहा है, तो ऐसे में ये आरोप लगा है कि प्रॉपर्टी की जो काम करता अजीत प्रसाद उसमें जो है जमीन में बनामा लिया था और जिस रोहित तिवारी से के थ्रू जमीन ली थी उसको कमीशन के लेन देन चक्कर में उसका अपहरण करते हैं और उस कार में ही उस गाड़ी में उसका मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं जान से मारने की, अगर तुमने कहीं शिकायत की तो तुम्हें जान से मार देंगे। कुल मिला के जिस तरह से इस समय की सियासत के दौर में जिस तरह से अवधेश प्रसाद जो सांसद है, सपा के सांसद है, उन पर आरोप लगा है, तो कुल मिला के अब चाहे और तेज हो गई है सियासत और तेज हो गई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर साजिश रची गई है। एक बार फिर से ट्रेन के आगे गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला है। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया था, लोको पायलट के सूझबूझ की वजह से यह हादसा टल गया है। समय रहते ही ब्रेक लगा दिया लोको पायलट ने और ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हो गई। मालगाड़ी ट्रेन कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। फिलहाल जीआरपी और आरपीएफ समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सिलेंडर को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। तो रेल को डीरेल करने की कोशिश नाकाम हुई है। एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर साजिश रची गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो साक्ष्य मौके पर पहुंचकर बरामद किए गए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है, स्निफर डॉग्स को बुलाया गया है। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। ये तहकीकात की जा रही है कि यह सिलेंडर किस प्रकार से वहां पहुंचा है और किस उद्देश्य से पहुंचा है। निश्चित रूप से इसमें जांच की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इसमें मामला दर्ज, संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध रेलवे नियमानुसार कार्रवाई करेगा। कानपुर में ट्रेनों को डिटेल करने की लगातार अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं। तीसरी घटना प्रेमपुर स्टेशन के पास घटी है। यह मुख्य लाइन है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है। प्रेमपुर स्टेशन में आज सुबह मालगाड़ी इलाहाबाद की ओर जा रही थी, तभी लोको पायलट ने देखा कि एक गैस सिलेंडर ट्रेन के सामने रखा हुआ है। यह वही स्थान है जहां पर गैस सिलेंडर रखा था। इसी जगह पर कुछ बियर की कैन भी मिली हैं और कुछ नमकीन के पैकेट मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ अराजक तत्वों ने ट्रेन को रिडेल करने की कोशिश की और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तथा फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया है और निरीक्षण किया है।
अब हम आपको ये बताते हैं कि ये साजिश कानपुर के लिए क्यों रची गई। दरअसल अगस्त से अब तक ये तीसरी साजिश है जो कि कानपुर में रची गई है, और हर बार ट्रेन पलटाने की साजिश के लिए कुछ ना कुछ ट्रैक पर रख दिया जाता है। पहली तस्वीर 17 अगस्त की है जब किसी बोल्डर से टक्कर के बाद साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी, हालांकि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हो पाया था। दूसरी तस्वीर 9 सितंबर की है जब कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखा गया था, और अभी इन मामलों की जांच हो ही रही थी कि अब ये नया मामला सामने आ गया। एक बार फिर से ट्रेन के आगे छोटा गैस सिलेंडर रख दिया गया, हालांकि लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया है। तो इन तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कानपुर में साजिश रचने की कोशिश हो रही है। तीन बार पिछले 2 महीने में ये घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जूस जिहाद को लेकर गाजियाबाद में महापंचायत हो रही है। जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाने को लेकर लोनी के टीला गांव में ये महापंचायत हो रही है। महापंचायत में पहुंचे लोगों ने ऐसा करने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। पंचायत में मंच से ये कहा गया कि खाने पीने का सामान हिंदू दुकानों से ही खरीदा जाए। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले अंकुर विहार इलाके में यूरिन मिलाकर जूस बेचे जाने का मामला सामने आया था। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने काफी हंगामा भी किया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जूस दुकानदार आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पंचायत में मंच से कहा गया खाने पीने का सामान हिंदू दुकानों से ही लिया जाए। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप महापंचायत की, गाजियाबाद में यह महापंचायत हो रही है। हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं और सभी को जागरूक किया जा रहा है कि हिंदू दुकानों से ही, जो हिंदू व्यवसायी हैं उनसे ही सामान खरीदा जाए, उनसे ही कोई भी खाने पीने की वस्तु ली जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद अब इसे जूस जिहाद, थूक जिहाद का नाम दिया जा रहा है, जिसके चलते ये महापंचायत सभी वर्गों के लोगों की ओर से की गई। खाद्य पदार्थों में लगातार मिलावट की सूचनाएं सामने आ रही है। कहीं रोटी पर थूक लगाकर मिलाया जा रहा है, तो कहीं मानव मूत्र मिलाकर जूस मिलाया जा रहा है, तो कहीं पूजा के फूलों को भी झूठा किया जा रहा है, जिसको लेकर लोनी इलाके में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। लोनी के टीला गांव में ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग भाग इकट्ठे हुए हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, तमाम लोग भाग इकट्ठे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि उनका इस बारे में लेकर क्या कहना है। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कोई रोटी में थूक लगा रहा है, कोई मानव मूत्र मिला के जा रहा है, तो क्या कहना है इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकरण सामने आया है। ये जो शॉप थी, दुकान थी, ये ACP ऑफिस के बराबर में थी, जहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी वहाँ प्रतिदिन जूस वगैरह भी पीते थे। तो ये सीधा सीधा इस प्रकार का है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उस पर भी एक तरीके का आक्रमण है, और लोनी की जनता में ये पहला, आपको लग रहा है कि पहला प्रकरण मिला है कि एक दुकान में मिला। ऐसी अनेकों दुकान यहाँ पर हैं। ये अभी जूस की दुकान है और फलों की दुकान है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मामला है, चाहे वो ढाबे पे रोटी बनाने का मामला हो, उसमें भी थूक लगा के दी जा रही थी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आपके? जैसे ढाबे पे जो रोटी मिली है उसमें भी थूक लगा के दिया भाई साहब, ऐसी महापंचायत इन लोगों का प्रोपेगेंडा बन गया है कि हिंदू धर्म को बिल्कुल हमें खत्म करना है। इनका प्रोग्राम कभी मूत्र पिलाएंगे, कभी थूकेंगे, कभी माड़ों पर थूकेंगे, इनका प्रोपेगेंडा बन रहा है। मैं पंचायत से भी अनुरोध करता हूँ कि कड़े से कड़ा फैसला ले।
और अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं, कहीं पर रोटी में थूकने का वीडियो तो कहीं पर थूक से मसाज का वीडियो, यहां तक कि अब फ्रूट जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने का भी वीडियो सामने आया। तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बागपत, गाजियाबाद और कन्नौज की तीनों जगहों पर इसी तरह के मामले सामने आए हैं। तो देख सकते हैं ये तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की है, अलग अलग जगहों की है जहां पर ये मामले सामने आए और इसके बाद से अब लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कानपुर देहात के रनिया में कल गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 3 मजदूरों के शव फैक्ट्री से निकाले गए जबकि 3 मजदूरों की मौत इलाज के दौरान हो गई है। आपको बता दें दमकल कर्मियों ने देर रात तक फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और हादसे में कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फैक्ट्री में रेस्क्यू के लिए SDRF, दमकल और पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई JCB मशीन, हाइड्रा मशीन के साथ गैस कटर से लोहे की चादर और एंगल काट कर लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री में फंसे लोगों को बचाया नहीं जा सका था। जिला प्रशासन फैक्ट्री को सील कर चुका है। आरोप यह है कि फैक्ट्री तय मानकों के खिलाफ चल रही थी। सीतापुर जेल में बंद SP नेता आजम खान से उनके परिवार वालों ने मुलाकात की। पत्नी तंजिम फातिमा और बेटे अदीब खान ने आजम खान से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक की मुलाकात चली है। इसके बाद तंजिम फातिमा ने कहा कि आजम खान साहब का स्वास्थ्य अच्छा है। नहीं, उनके हालचाल बिल्कुल ठीक है। कुछ कहा उन्होंने परिवार को लेकर, कुछ चिंता है, कुछ दवाइयाँ कैसी उनकी हैं, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है। कब तक उम्मीद लग रही है कि बाहर आ जाएंगे? ये तो रामपुर के BJP विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये फैसला भी अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि इससे आजम जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को सबक मिलेगा। सरकारी मशीन चोरी का ये मामला था। नगर पालिका रामपुर की मशीन जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर गड्ढे में पाई गई थी। एक मशीन की कीमत 1-1 करोड़ के आसपास थी। पहले रामपुर MP MLA कोर्ट से ये याचिका खारिज हुई, उसके बाद सेशन कोर्ट से और अब हाई कोर्ट से खारिज हुई। क्योंकि ये मुकदमा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मशीन चोरी की FIR होती है और 3 दिन के बाद वो मशीनें आजम की यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद होती है। क्या कहेंगे कोर्ट के इस फैसले का? बिल्कुल, हमने तो हमेशा न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और आज का भी जो फैसला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि कम से कम इन चीजों को देखते हुए जो आगे के जो लोग हैं, जो आजम की मानसिकता जैसे लोग हैं, कम से कम उनको इससे सबक मिलेगा।